हेलो एवरीवन, मैं हूँ टीटी। हम तीन चैप्टर की टिप्स और ट्रिक्स देख चुकी हैं। ये फोर्थ चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहली हमारी डेफिनेशन है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब नेक्स्ट है जे सिक्स हमारे हाइड्रोकार्बन। इन्हें सीरीज में याद रखने की ट्रिक है, मैथ पढ़ाना बहुत पेचीदा है। तो मैथ है इसमें, मैथ से मैथ प्रोप पढ़ाना, बहुत से ब्यूट, पेचीदा से पेंट और है से हेक्स। ठीक है, अब जहाँ देखिए ईथ नहीं है। तो अगर मैथ आपने लिखा, मान लीजिए आपने मैथ लिखा, तो इसमें से ही ईथ है। ठीक है, इससे आपके दो डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मैथ पहले आता है या ईथ। तो सबसे पहले आप मैथ लिखिए, ठीक है। मैथ लिखने के बाद उसी में ईथ लिखा होता है। तो फर्स्ट मैथ, सेकंड ईथ, फिर थर्ड प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर एक्स। इस प्रकार आप इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। कैटिनेशन में देखिए, इसमें C4 कैटिनेशन, C4 चैन। ठीक है, तो आपसे चैन से आप याद रख सकते हैं कि मॉलिक्यूल की आपस में लिंक होने की टेंडेंसी। ठीक है, उन आपस में लिंक होकर एक लंबी चैन बनाने की टेंडेंसी को कैटिनेशन कहते हैं, जो कि कार्बन में बहुत ज़्यादा होती है। हेटरो एटम देखिए, जहाँ मिथेन है, ये मिथीन है, इसमें एक कार्बन है तो मिथ। तो क्लोरीन आया जहाँ पे हाइड्रोजन पर उसने अटैक किया और इसे हटा दिया, कह रहा है हट हट रे एटम। हट से देखिए, जहाँ हेटरो है, हेटरो एच का मतलब है जहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, जो एटम हाइड्रोजन को हटा दे उसे कहते हैं हेटरो एटम। अब देखिए एल्कीन, तो एल्कीन इसकी राइमिंग मिलती है तीन से, हिंदी के वर्ड तीन से। तो एल्कीन में क्या होगा, तीन एटम जुड़े होंगे। ये एक कार्बन है, इससे तीन एटम और जुड़े हुए हैं। तो ऑब्वियस है, अगर तीन एटम इसमें जुड़ेंगे तो डबल बॉन्ड बीच में ज़रूर आएगा, दो कार्बन के बीच में। ठीक है, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड। आगे देखिए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में देखिए, सी का मतलब है करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, P4 प्रॉपर्टीज। जो ग्रुप का P का मतलब है प्रॉपर्टीज और सी का मतलब है करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। कि फंक्शन ग्रुप वह एटम का ग्रुप होता है जो किसी भी हाइड्रोकार्बन की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देता है, उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे OH हो गया, ऐसे कहते हैं एल्कोहल, या COOH हो गया, इसे कार्बोलिक एसिड कहते हैं। और बहुत से हो गए, जैसे ब्रोमो, क्लोरो, ये सारे क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये रही आज की टिप्स, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप भी कोई और किसी चैप्टर की ट्रिक्स बनवाना चाहती हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर सकती हैं, मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।